नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। हो गया फाइनल आपका DADR महंगाई भत्ता जनवरी 2024 का। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर एक लेटेस्ट आदेश भी जारी किया गया है सभी केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों और पेंशन भोगियों के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आपको जनवरी 2024 से आपका जो एक्सेप्टेड DADR महंगाई भत्ता है वो कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके लिए नए और बेहतरीन वीडियो हमेशा लाते रहें। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ की तरफ से 31 जनवरी 2024 को ये लेटेस्ट प्रेस रिलीज जारी की गई है। सब्जेक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स दिसंबर 2023 का जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो इस प्रेस रिलीज के माध्यम से चंडीगढ़ की तरफ से, लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर 2023 का जारी कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, दिसंबर 2023 का जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो डिक्रीज हुआ है 0.3 अंक, जिससे ये रह गया है 138.8 अंक रह गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इन्हीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ये हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, जवान हैं, उनके महंगाई भत्ते की गणना की जाती है, जो इसी वीडियो में हम आपको आगे लाइव कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि जनवरी 2024 से आपका महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें दोस्तों। बाकी इसमें अपने काम की चीज़ नहीं है, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि आपका जनवरी 2024 से आपका महंगाई भत्ता कितना बढ़ गया है और आपको जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। तो दोस्तों, ये DA कैलकुलेशन टेबल आ गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी जो आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है वो 46% टोटल मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों, जुलाई 2023 का जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया, जिससे आपका महंगाई भत्ता आगे बढ़ गया, यानी कि 47.14% हो गया। उसके बाद में अगस्त 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया, जिससे आपका महंगाई भत्ता टोटल हो गया 47.97%। उसके बाद में सितंबर 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया, जिससे आपका महंगाई भत्ता बढ़ गया 48.54% हो गया टोटल। उसके बाद में अक्टूबर 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया, जिससे आपका महंगाई भत्ता टोटल बढ़ गया 49.08%। उसके बाद में दोस्तों, नवंबर 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया, जिससे आपका महंगाई भत्ता टोटल हो गया 49.68%। और दोस्तों, अभी दिसंबर 2023 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी जारी कर दिया गया है इस प्रेस रिलीज के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6 महीनों के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े होते हैं उन्हीं के आधार पर हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनके महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। तो अभी दोस्तों, ये दिसंबर लास्ट महीना था, यानी 6ठा महीना था, उसके भी आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये फाइनल हो गया है कि आपको महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। तो दिसंबर 2023 के आंकड़े जारी हो जाने के बाद में आपका जो टोटल महंगाई भत्ता बन रहा है वो 50.28% बन रहा है, यानी कि जनवरी 2024 से आपका जो टोटल महंगाई भत्ता मिलने लगेगा वो 50% मिलने लगेगा, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी मिल रही है। तो ये थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।